कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, 100% तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप भी इसे सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान और समझ के साथ देखिए, और इस वीडियो में जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, तभी आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे यह सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे माइंड रीडर जो पब्लिक स्पीकर भी हैं, वह यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, वह पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि यह व्यक्ति तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और यह कोई चमत्कार भी नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, और उसी से ही वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं। अब वो तो आपको यह सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका घर और उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक जैन मुनि थे, उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था, वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है, कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती है और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो जो जैन मुनि थे, वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो, जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था, तो गुरुजी क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल। और जब तक वह शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था, वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही किसी शब्द को अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वह सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे यह सब बकवास बातें हैं, यह बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं है, यह सिद्ध की हुई साइंटिफिक बातें हैं। बहुत लोगों ने इस पे प्रयोग किए हैं। आपने देखा होगा कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वह बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है, यह तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारिक शक्ति है। सच कहूँ तो उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, उसने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके, उसने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया। इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं, उसकी ऊर्जा को वह मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है, समझ पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है वह आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है, तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन की शक्तियों के बल पर जो योगी लोग होते हैं, वह चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज तक भी सुन सकते हैं। तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं,
जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो वो किसी और के मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक साधु थे जिनका नाम महाज्ञानी बाबा था। वह अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था, तो उस दिन उनका शिष्य अपने मित्र को भी साथ लेकर आया। तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पर उनका शिष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वह काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था, वह बड़ा हैरान हो रहा था कि यह लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों हैं? तो उसने सोचा, चलो मैं ही बात शुरू करता हूँ। और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। जब उस शिष्य के मित्र ने यह बात कही, तो महाज्ञानी बाबा ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि यह बहुत शोर मचाता है। वह शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, मौसम कितना अच्छा है, इसमें इसने ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो महाज्ञानी बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन अब पूर्णतः शांत हो गया है। अब जरा सी भी आवाज मुझे शोरगुल मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है। मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है कि यह व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ, बिना कहे ही सब कुछ कह सकता हूँ। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को क्यों नष्ट करूँ, जब मैं बिना बोले सुन सकता हूँ, बिना कहे भी कह सकता हूँ, तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में जरा गहरे झांक कर देखिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना आए, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और वह जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वह कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वह सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सके, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सके, तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें, और जब आपका मन शांत हो जाए, तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें, उनके शब्दों पर नहीं जाएं, जो उनके हाव भाव हैं, आप उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वह आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट्स हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता, आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे, कोई आपके पैसों को लूट कर नहीं जा सकता। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यह प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होते हैं, इनमें थोड़ा समय लगता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ महीनों के अभ्यास से ही आप जल्दी ही किसी के भी मन की बातों को आसानी से जान लेंगे।